उज्जैन को मिली रोपवे की सौगात, सीएम शिवराज ने केंद्र सरकार का जताया आभार। 209 करोड़ के प्रोजेक्ट का जुलाई 2023 में काम होगा शुरू। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर सीएम भूपेश बघेल ने उठाए सवाल, कहा ईडी को बताना चाहिए सीएम साहब कौन है, ईडी स्वतंत्र और निष्पक्ष है तो इसका जवाब जरूर दें। रायपुर में छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने केंद्रीय गृह मंत्री से की मुलाकात, छत्तीसगढ़ की राजनीति और बीजेपी के भीतर की रणनीति पर हुई चर्चा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने श्योपुर के कराहल में उत्कृष्ट विद्यालय के परिसर में आयोजित मुख्यमंत्री जनसेवा कार्यक्रम में शिरकत की और कार्यक्रम में मंत्री सुरेश राजखेड़ा विधायक सहित आला अधिकारी शामिल हुए। बालाघाट में सातनारी जलाशय का आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने किया भूमि पूजन, आधा दर्जन ग्राम पंचायतों के 2000 किसानों को मिलेगा लाभ। दुर्ग जिले के वैशाली नगर थाने इलाके में चाचा पर गूंगे भतीजी से दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। बिलासपुर के चकरभाटा थाना इलाके में पिता पर मासूम बेटियों के यौन शोषण का आरोप, मासूम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुनाई आपबीती, एफआईआर की मांग को लेकर गुरु घासीदास सेवादार संघ ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। पन्ना के अजयगढ़ थाना इलाके में रूंज नदी में हीरे की चाल खोदते वक्त मिट्टी का खदान धंसा, मिट्टी के ढेर में फंसी महिला को लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। पन्ना में भालुओं के झुंड ने किया ग्रामीणों पर हमला, खेत में लकड़ियों जमा करने के वक्त भालुओं ने किया हमला, हमले में 4 लोग घायल, मां बेटी की हालत नाजुक। धार में राजगढ़ पुलिस ने अवैध शराब से भरे वाहन को किया जब्त, 60 पेटी अवैध शराब बरामद, जब्त शराब की कीमत 9 लाख आंकी गई, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। छिंदवाड़ा में बड़चिरौली गांव के खदान में भरा पानी, खदान में नहाने के दौरान मासूम की मौत, ग्रामीणों ने शव बाहर निकाला और मौके पर पुलिस और परिजन मौजूद। मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक में एसडीएम के आदेश की अनदेखी, अस्पताल के कर्मचारी ने आवाज को नहीं किया खाली, आवाज पर कब्जा नहीं देने पर काम नहीं करने की चेतावनी। मुरैना के पूठा गांव में प्राथमिक स्कूल में बच्चे टीन शेड के नीचे पढ़ने को मजबूर, 2013 में चल रहे स्कूल में ब्लैक बोर्ड का भी इंतजाम नहीं। गरियाबंद जिले के भसेरा हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचरों की लेट लतीफी से स्कूली बच्चों के भविष्य पर खतरा, पढ़ाई अधूरी होने से बच्चे बोर्ड परीक्षा को लेकर परेशान, पालकों ने आला अधिकारियों से दोषी शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की। शहडोल के 2 नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव, नगर परिषद बुढ़ार में बीजेपी प्रत्याशी शालिनी सरावगी विजयी, तो जयसिंह गढ़ नगर परिषद में कांग्रेस की जीत। कवर्धा नगर पालिका सैकड़ों दुकानों में तालाबंदी और बिजली नल कनेक्शन काटने की तैयारियों में जुटी, नगर पालिका का 2,13,00,000 रुपए किराया का मद में बकाया। धार के धनड़ में गांव खरगोन निवासी की हत्या का शव को दफनाया, पीथमपुर पुलिस ने शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, हत्याकांड में शामिल सभी 6 आरोपी गिरफ्तार। गरियाबंद के ग्राम पंचायत छुईहा में युवक ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या की, ग्रामीणों ने फिंगेश्वर पुलिस को सूचना दी और प्रेम प्रसंग की सुसाइड की आशंका। इंदौर में मदद के नाम पर बुजुर्ग महिला को ठग गिरोह ने बनाया शिकार, महिला का आभूषण लेकर बदमाश फरार, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश। बड़वानी की ओझर में व्यापारी पर अज्ञात लोगों ने किया हमला, व्यापारी की इलाज के दौरान मौत, नागलवाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। कटनी कोतवाली पुलिस ने नकली सिलाई मशीन पकड़ी, अपना हिंद नाम से सिलाई मशीन की बिक्री पर कार्रवाई, कंपनी मैनेजर की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने 11 मशीनों को बरामद किया।
गाजियाबाद में एक पिटबुल डॉग ने 11 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। राम प्रस्था ग्रीन सोसाइटी में बच्ची के खेलते वक्त पिटबुल कुत्ते ने उसके दोनों पैरों में काट लिया। घटना के बाद बच्ची को फौरन अस्पताल ले जाया गया। हालांकि बच्ची की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन इस घटना में सोसाइटी के लोग काफी डरे हुए हैं। गाजियाबाद में करवा चौथ के मौके पर सरे बाजार एक महिला ने अपने पति और उसके प्रेमी की धुनाई कर दी। मामला तुराब नगर बाजार का है, जहां पति अपने प्रेमिका को शॉपिंग कराने गया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। महिला ने पुलिस को बताया कि उसका उसके पति से कोर्ट में केस चल रहा है। हंगामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पटना में जगनपुर थाने से 5 कैदियों को कोर्ट ले जा रहे पुलिस वाहन को तेल खत्म हो जाने से पुलिस को कैदियों के साथ सड़क पर रहना पड़ा। इन घटना ने कैदियों की सुरक्षा के साथ साथ बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान के उदयपुर में आज से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली और ऊर्जा मंत्रियों को 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू हो रहा है। सम्मेलन में स्मार्ट मीटर, 24 घंटे बिजली जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उदयपुर के रेडिसन ब्लू होटल में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह करेंगे। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राजस्थान सीएम अशोक गहलोत को भरोसा दिलाते हुए कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान को कोयले का संकट नहीं आने देगी। जोशी खुलासा करते हुए बताया, छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर राजस्थान को कोयला खनन की एनओसी रद्द करने की मांग की है, लेकिन केंद्र सरकार ने राजस्थान के हित में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। परिणीति चोपड़ा और हार्डी संधू की नई फिल्म कोड नेम तिरंगा के फर्स्ट शो में दर्शकों को आज मिलेगा टिकट में भारी डिस्काउंट। मात्र 100 रुपए में देख सकेंगे फिल्म कोड नेम तिरंगा। फिल्म आदि पुरुष पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। दिल्ली अयोध्या के बाद बिहार में भी फिल्म कलाकारों के पुतले फूंक कर जनता ने फिल्म को बैन करने की मांग उठाई। दिल्ली के अवार्ड शो में स्टेज पर जमकर डांस करते दिखे अभिनेता रणवीर सिंह और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा। दोनों का मजेदार डांस वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हुआ वायरल। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जल्द रिलीज होने जा रही है मिर्जापुर का 30वां सीजन। सुप्रीम कोर्ट ने मिर्जापुर पर रोक लगाने से इनकार किया। लगातार विवादों के बीच घिरी फिल्म थैंक गॉड का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज हुआ। धोती कुर्ता पहनकर चित्रगुप्त के किरदार में दिखे अभिनेता अजय देवगन।